चुनाव के समय आते ही मंत्रियों को आप लोगों ने बहुत कुछ करते हुए देखा ही होगा, मसलन मजदूरों से मिलना, दलितों के घर जाकर खाना खाना। लेकिन यह तस्वीर आपको थोड़ा हैरान जरूर करेगी। ये तस्वीर देहरादून जनपद के विकास नगर के केदारवाला में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की है। केदारवाला गांव के जंगल से गुजरते समय प्रदेश की खाद्य, महिला कल्याण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने खेतों में गेहूं की फसल काट रही महिलाओं को देखकर अपने काफिले को रुकवा लिया। इस दौरान मंत्री कार से उतरकर महिलाओं के पास पहुंची और उनसे खेतों की कटाई के बारे में बात करने लगी। इस बीच मंत्री ने एक महिला से दराती लेकर खुद भी गेहूं काटना शुरू कर दिया। मंत्री को गेहूं काटते देखकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को पारंपरिक तरीके से गेहूं काटते देखकर खेत में गेहूं काटती महिला समेत पूरा गांव हैरान हो गया। अपने बीच मंत्री को गेहूं काटते देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ग्राम प्रधान से ट्रैक्टर और थ्रेशर के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं बेहद मेहनत व लगन से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने खेतों में काम कर रही महिलाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। साथ ही मंत्री आर्या ने खेतों में ट्रैक्टर भी चलाया। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विकास नगर स्थित गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण कर अनाज की आवक के बारे में जानकारी भी ली। केंद्र प्रभारी व खाद्य विभाग की SMO रंजना राजपूत ने मंत्री को खरीद संबंधी जानकारी दी। उसके बाद मंत्री आर्या ने नगर स्थित FCI के गोदाम का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सरकारी राशन के रखरखाव की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खरीद केंद्र पर कम मात्रा में गेहूं की आवक के बारे में अधिकारियों से बात भी की। इसके साथ ही खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए हर आवश्यक इंतजाम किए जाने के निर्देश भी मंत्री आर्या ने दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का मकसद किसानों को लाभ पहुंचाने का है, इसलिए प्रदेश में 1 अप्रैल से ही खरीद केंद्र खोल दिए गए थे। यदि किसानों को बाहर अच्छा मूल्य मिल रहा है तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। सरकारी खरीद केंद्र किसानों की सुविधा के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश खरीद के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की है। हाल ही में हुए अपने सफल ऑपरेशन के बाद रेखा आर्या क्षेत्र एवं प्रदेश में जन भ्रमण कर जन सुनवाई करने के साथ ही कार्यक्रमों में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की खेतों में जाकर महिलाओं के साथ गेहूं काटने वाली पहल आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे न्यूज चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज।